हमारे सहयोगी अमित हमारे साथ बने हुए हैं। अमित, आपका रुख करूंगी। आज पूरे दिन छत्तीसगढ़ में क्या कुछ बड़ी खबरें रहने वाली है, इसके साथ ही दुर्ग दौरे पर रहेंगे सीएम भूपेश बघेल, क्या कुछ कार्यक्रम में शामिल होंगे आज सीएम? बिल्कुल सावड़ी, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के चुनाव दौरे में लगातार मुख्यमंत्री भूपेश बघेल थे और इसके बाद वहां से जब लौटे तो यहां पर चार सौगातों को लेकर, राहुल गांधी के दौरे को लेकर काफी व्यस्तता रही। तो आज वह अपने गृह ग्राम जो कि पाटन में है, जिला दुर्ग में है, तो अपने गृह ग्राम जाते आज नजर आएंगे। लगभग 12:15 बजे वह गृह ग्राम जाएंगे पाटन और वहां से 1:45 बज के राजनांदगांव जिले के लिए रवाना हो जाएंगे। राजनांदगांव जिले में एक कार्यक्रम में शामिल होकर 4:10 पर रायपुर वापस लौटेंगे। तो एक तरह मुख्यमंत्री जिस तरीके से यहां कल उन्होंने चार सौगातें दी हैं, राहुल गांधी के दौरे को काफी गदगद है, क्योंकि जिस तरीके से राहुल गांधी यहां से छत्तीसगढ़ के विकास को देखकर काफी खुश हुए, तो कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री को एक अभयदान तक टाइप का मिला है। और इस तरीके से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी गदगद नजर आ रहे हैं। वहीं यहां पर बात करेंगे जो प्रदर्शनी यहां पर सर्वांगीण विकास को लेकर लगाई गई है, तो इस सर्वांगीण विकास की प्रदर्शनी को दिखाने के लिए अब जनता के लिए आज उसको 4 और 5 तारीख को इसे खोला जा रहा है, ताकि जनता वहां जाकर बस्तर की कलाकृतियों को खरीद सके, जो उत्पाद बनाए गए हैं महिला स्व सहायता समूह द्वारा उनको खरीद सके और प्रदर्शनी को देख सके, छत्तीसगढ़ का विकास देख सके। तो इस तरीके से ये प्रदर्शनी यहां पर 2 दिन और चालू रहेगी और मुख्यमंत्री ने इसको लेकर ट्वीट भी किया है कि ये प्रदर्शनी 2 दिनों के लिए जनता के लिए खोली गई है। तो एक तरह से छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री मिशन 2023 की तैयारियों में जुटे नजर आ रहे हैं। वहीं कोरोना की बात करें तो पिछले 24 घंटे में यहाँ पे 2454 केस आए हैं, जिसमें सबसे ज्यादा केस दुर्ग जिले में मिले हैं, 286 और 284 केस रायपुर में है, तो दूसरे नंबर पर रायपुर राजधानी आ रही है। वहीं 14 लोगों की मौत भी हुई है, तो एक तरह से कह सकते हैं कि मौतों का आंकड़ा लगातार बढ़ता नजर आ रहा है। लेकिन इसमें इसके बावजूद लोगों की लापरवाही बेपरवाही यहां पर नजर आ रही है। जिस तरीके से यहां पर लोग मास्क नहीं पहन रहे, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे, तो ऐसे में छत्तीसगढ़ में कोरोना अभी भी शांत नहीं हुआ है। वहीं राजनांदगांव में अभी जिस तरीके से स्कूलों में यहां पर बच्चे संक्रमित पाए गए हैं, वहीं स्कूलों को खोलने की कवायद भी अब शिक्षा विभाग की तरफ से की जा रही है। आज कुछ ही दिनों में यहां पर स्कूल खोले जाने की कवायद छत्तीसगढ़ शासन करने जा रहा है, तो ऐसे में बच्चे कितने सुरक्षित है इसको लेकर भी एक बड़ा सवाल है। जी सावनी, बिल्कुल।